नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी डबल डेकर बस। हादसे में करीब 29 लोगों की मौत। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख। मृतक परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश रवि कुमार के पैर में लगी गोली। घाटमपुर का रहने वाला है रवि कुमार। कानपुर की जूही में चौराहे पर लटकती मिली लाश। लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबर विस्तार से। लखनऊ से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस आगरा में एक्सप्रेस वे पर झरना नाले की खाई में गिर गई। इस हादसे में 29 यात्रियों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक बस का नंबर UP3385877 है। बस इटावा से दिल्ली जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट से बात की और घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। आगरा की डीएम एनजी रवि ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, बस स्पीड में होगी और ड्राइवर के नींद में होने की वजह से हादसा हुआ। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों को 50-50 लाख व घायलों को 10-10 लाख के मुआवजे के साथ सक्षम एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। कानपुर की पनकी थाना पुलिस और एक बदमाश में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान आमना सामना हो गया। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश घाटमपुर का रहने वाला 25,000 का इनामिया रवि कुमार कोरी है। उस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से। फतेहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। माइक के पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव की यह घटना, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। माई के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। ये बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जिस पर माई के पक्ष ने महिला की हत्या का आरोप ससुरालीजनों पर लगाया है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव की एक घटना, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक महिला की मौत।
और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ है ये मामला? मामला ये है कि फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है रोशन, वहाँ पर ईश्वरी देवी वाइफ ऑफ संजय और संजय की पत्नी ही का जो है पेट में बच्चा था। बताया ये जा रहा है कि डिलीवरी के लिए ये कानपुर ले गए थे और उसी समय इसकी महिला की मौत हो गई है। पर अप्रत्यक्ष रूप से भी इस खबर सामने आ रही जाकर के कि महिला की मां ने अपने दामाद के प्रति एक थाने में FIR भी दर्ज करवाई है, जिसमें और हत्या का आरोप लगाया गया है कि मेरी बेटी को जला के मार दिए, मेरी बेटी को मार दिया गया है जी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच कर रही है जी। जानना चाहूंगी पुलिस इस मामले को किस तरह से देख रही है, हालांकि मायके वाले इसको हत्या का आरोप लगा रहे हैं ससुराली जनों पर, प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत क्या हो रहा है? प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत ये है कि पुलिस पंचनामा भरकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही जाकर के, इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जैसा मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि गला दबा करके मारा गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई चीज साफ नजर आएगी जाकर के जी। इस वक्त जानना चाहूंगी पुलिस के साथ क्या ससुराली जन जांच में सहयोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है पुलिस की? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, कारण कि अभी जब मैंने जानकारी ली तो पता चला कि कहते हैं कि आरोपी पति फरार बताया जा रहा है, जो बुजुर्ग ही उसके घर पे है जो पुलिस के साथ जो थोड़ा बहुत जो सहयोग कर रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। ये बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जिस पर मायके पक्ष ने महिला की हत्या करने का आरोप ससुराली जनों पर लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना जहानाबाद के रोशनपुर गाँव की घटना। बढ़ते अगली खबर की ओर, बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दिलाई। गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 में कोलकाता में हुआ था। सौरभ गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में की थी, उस दौरान उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए मैच में सेंचुरी मारी थी। गांगुली दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन बाद में वो बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए। भारत की ओर से विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर 183 रनों के साथ सौरभ गांगुली के ही नाम है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था। इस मैच में उन्होंने 239 रनों की पारी खेली थी और 1983 के बाद पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम साल 2003 में गांगुली की कप्तानी में विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। गांगुली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2008 में खेला था। फिलहाल वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ गांगुली कमाल के कप्तान भी थे। कानपुर देहात में रसूलाबाद तहसील के गांव भौथरी अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहा है, जहां गांव में पानी के साथ बिजली की समस्या थी। इस खबर को GMD न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर को दिखाने के बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने गांव में 2 दिन में बिजली पहुंचाने की बात कही थी, जिसके बाद गांव में बिजली पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जहां खंभों में तार खींच दिए गए, घरों में कनेक्शन हो रहे हैं, मीटर लगने शुरू हो गए हैं, गांव में बिजली आने से लोग खुश नजर आ रहे हैं। वहीं गाँव के लोगों ने बिजली के मुद्दे को उठाने और उनकी समस्या को दूर करने के लिए GMD न्यूज को धन्यवाद कहा। हमारे गांव बिजली पहले से नहीं थी जी, अभी आप लोगों ने TV चैनल चालू की, उससे हमारी जी कुछ सुविधा बढ़ रही है जी। तो गांव में क्या बिजली का कार्य शुरू हो गया? हाँ, चालू है, मीटर भी लग रहे हैं, सब समस्या हल हो रही धीरे धीरे जी जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोगों के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं कि आप लोगों ने आके हमारी गाँव में थोड़ी इज्जत बढ़ाई है। कानपुर देहात में वन महोत्सव के आखिरी दिन मैथा ब्लॉक के टिकरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन विभाग के STO रेंजर और वन दरोगा टिकरी गांव पहुंचे, जहां पर्यावरण मित्र आकांक्षा सिंह ने ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने 40 पौधे
लगाए और लोगों से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आकांक्षा सिंह पर्यावरण में विशेष रुचि की वजह से नेपाल के राज्यपाल द्वारा पर्यावरण योद्धा पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के पट्टी गांव की रहने वाली एक महिला नहर किनारे शौच के लिए गई थी, तभी महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो नहर के तेज बहाव में बह गई, जहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत ठीक होने के बाद उसे घर भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि महिला पट्टी गांव निवासी सुशीला देवी है। राजधानी मार्ग स्थित सब्जी मंडी में भगवान जगन्नाथ जी की छठी का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के लोगों ने उन्हें भोग लगाया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद चखा। बताते चले कि रविवार को भगवान जगन्नाथ की छठी का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि सनातन धर्म के अनुसार जगन्नाथपुरी में आज के दिन ही भगवान अपने मूल निवास पर लाए जाते हैं, जिसके उपरांत उनकी छठी का आयोजन किया जाता है और इस मौके पर वहां विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उसी की तर्ज पर राजधानी मार्ग स्थित उनके आवास में जगन्नाथ जी की छठी पर भगवान की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान छठी का प्रसाद चखा और इस मौके पर कमल वर्मा, अजय द्विवेदी, प्रमोद त्रिवेदी, अंकुर शुक्ला, अनूप साहू, अंजनी अग्निहोत्री, प्रदीप शुक्ला समेत तमाम लोग मौजूद रहे। एटा में 5 साल की मासूम के साथ एक 15 साल के किशोर ने रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को एटा के महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। आरोपी युवक के खिलाफ पीड़ित के पिता की तहरीर पर 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद किशोर घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, जबकि बच्ची को मेडिकल के लिए महिला चिकित्सालय भेजा गया है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए
टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 ज्योतिष चक्र में जेएमडी न्यूज पर। प्रकृति है जीवन का आधार, प्रकृति में है हर रोग का निदान। वो सामान्य या फिर भयावह रोग, जो लेंगे शरण प्रकृति की रहेंगे निरोग। देखिए नेचुरो मंत्रा सोमवार से शुक्रवार 3:00 PM सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए 4:30 PM सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। प्रकृति है जीवन का आधार, प्रकृति में है हर रोग का निदान। वो सामान्य या फिर भयावह रोग, जो लेंगे शरण प्रकृति की रहेंगे निरोग। देखिए नेचुरो मंत्रा सोमवार से शुक्रवार 3:00 PM सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। प्रकृति है जीवन का आधार, प्रकृति में है हर रोग का निदान। वो सामान्य या फिर भयावह रोग, जो लेंगे शरण प्रकृति की रहेंगे निरोग। देखिए
नेचुरो मंत्रा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ JMT न्यूज पर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज आम जन। स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर GRP ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक गैंग का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। GRP इंस्पेक्टर राम मनोहर रॉय ने बताया कि स्टेशन के पास रात में चेकिंग के दौरान 4 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के करीब 2 दर्जन मोबाइल, 3 सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र और कई वस्तुएं बरामद की गई हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों में जालौन का रहने वाला नन्हे राजा, उन्नाव निवासी मोहम्मद कासिम, कानपुर देहात निवासी राजन यादव और कानपुर मछरिया निवासी गुलफाम शामिल हैं। उत्तर पे बेसिकली चोरी करते थे ट्रेनों से, ये 4 गिरफ्तार हुए हैं, गुलफाम, राजन, नन्हे राजा और कासिम। तो इनके पास से कुल 26 मोबाइल मिले हैं और 3 चेन है, 2 मंगलसूत्र है और 1 पायल है, ठीक है। इसमें कुछ सामान जो है 2 मुकदमों से कनेक्ट हुए हैं और बाकी जो मोबाइलों का पता लगाया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी किया है। शहर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान तेजी से चल रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी और SSP ने शहर के पेट्रोल पंप पर जाकर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों के चालान किए। इसके साथ ही लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इस मौके पर ATM सिविल सप्लाई के साथ सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि जो दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं, उन्हें इस अभियान के तहत पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन लोगों पर पेट्रोल पंप का चालान भी काटा जा रहा है और इसी के तहत आज कई पेट्रोल पंप पर निरीक्षण कर लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे जो सिविल डिफेंस के कर्मठ जो हमारे साथी लोग हैं वो हैं, और हमारे पुलिस तो खैर हमेशा हर कार्यक्रम में साथ में रहती है, और RTO साहब हैं और ADM सिविल सप्लाई हैं और SSP साहब के नेतृत्व में सब यहाँ पे हमेशा ऐसे काम चलते रहते हैं। इस बार हमने ये सोचा है कि इस बार जो पेट्रोल पंप जो डीलर्स हैं उन सबका सहयोग लिया जाए। तो ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पर नो हेलमेट नो पेट्रोल तो चलेगा, लेकिन साथ में हमारे जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं वो जो इस तरह के लोग आएंगे उनका नंबर नोट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि किस तरह की घटना हो यहाँ पे। अगर कोई ज़बरदस्ती अगर एक्सीडेंट करके चले जाए तो हम उसके पीछे दौड़े फिर पकड़े फिर एक्सीडेंट, तो ऐसा भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है लेकिन हम उसको दंडित भी करना चाहते हैं उसी के फ़ायदे के लिए, तो वो उसका ये रहेगा कि उनके यहाँ पे नंबर्स नोट हो जाएंगे, ARTO साहब फिर उनके घर में जाके उस चालान को पहुँचवाएंगे, और उसके अलावा यदि कोई और भी ऑफेंस बनेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सभी नगरवासियों से और जितने मोटर बाइक चालक हैं उनसे तो है ही है, उनके शुभ चिंतकों से ज़्यादा है, उनकी माओ से, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से, कि वो उन सभी को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। देखते हुए कोई जो भी ट्रैफिक पालन करने के हिसाब से बनाया गया, विशेष करके हेलमेट और सीट बेल्ट पर हम लोग का ड्राइव चला, कानपुर में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब और चीज़ें जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नो हेलमेट नो पेट्रोल, हर जगह जो पेट्रोल का पॉइंट है मिलने का पेट्रोल पंप, वहाँ पर उनके जो भी
स्थानीय लोग हैं उनसे अनुरोध किया गया है पेट्रोल पंप एसोसिएशन से भी कि ये लोग विदाउट हेलमेट वालों को पेट्रोल ना, उसके लिए व्यवस्था एक स्तर पर होर्डिंग के माध्यम से की गई है। दूसरे स्तर पर हमने कैमरे भी इनसे लगाने के लिए कहा है ताकि जो भी आदमी आए पॉइंट पर पेट्रोल ले, अगर वो हेलमेट नहीं लगाए तो उसकी गाड़ी का नंबर ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा और उसका चालान वहीं से कट जाएगा। देखिए, जो सड़क सुरक्षा है आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जो सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं उसमें या तो लोग हताहत हुए हैं या उनके लिए गंभीर चोटों की स्थिति बनी है। आप सभी जानते हैं कि जो भी दोपहिया वाहन हैं उन सभी पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उसी के टेस्टिंग का भी अभियान चलाया जा रहा है और हमारा जो अभियान है वो हमने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है कि शुरू के एक दो दिनों में हम लोग एजुकेटिव वे में चला रहे हैं। जो लोग कॉपरेट कर रहे हैं उनको एक मौका देते हुए एजुकेट करते हुए जागरूक करते हुए अभियान को चलाया जा रहा है। उसमें पुलिस, RTO, सिविल डिफेंस और आपूर्ति विभाग, इन सभी के समन्वय से इसको चलाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए GMD न्यूज के साथ और विजिट करें हमारी वेबसाइट GMDTVIndia.com को। नमस्कार।